हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी, सिंपल, टेस्टी, यम्मी कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी। इसे मैंने सिर्फ 2 कप दूध से बनाया है और बिना क्रीम के हम इसे बनाएंगे, फिर भी ये खाने में बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगेगी। इस आइसक्रीम को हम सिर्फ 3 सामानों से बना के तैयार करेंगे, वो भी बिना चीनी के। तो देखने में जितनी खूबसूरत दिख रही है, खाने में ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी है। तो इस गर्मी इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए अपनी यम्मी टेस्टी कस्टर्ड आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 कप दूध ऐड किया हुआ है। दूध फुल क्रीम मिल्क लेंगे, उससे आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चाहे आप उबला हुआ ले लें या फिर कच्चा दूध ही ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे उबला हुआ दूध मैंने लिया है, इसे हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इसे बॉयल होने देंगे। तो यहाँ पे एक उबाल आ चुका है दूध में, और गैस को हम धीमा करके इसे पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और जब तक ये पकेगा तब तक हम अपना कस्टर्ड का बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया था, उसी में से, ये नॉर्मल दूध है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है दूध में इस तरह से। दूध भी यहाँ पर थोड़ा सा पक चुका है, थोड़ा गाढ़ा हो गया है दूध। अब हम इसमें जो है ये कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे शुगर का भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ, 4 बड़े चम्मच। इससे आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही ये हमारा कंडेंस मिल्क इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसमें वनीला कस्टर्ड अपना जो मिक्स करके रखे थे उसे हम ऐड कर देंगे इसमें। तो इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना जमे। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे चलाते रहेंगे इस तरह से ताकि इसमें कोई लम्स या गांठे ना पड़े, नहीं तो आइसक्रीम का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारे दूध को इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अभी मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। तो इसे थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। तो 10 मिनट के लिए इसे ठंडा हो जाने देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया हुआ है, इसमें हम सारे अपने कस्टर्ड मिक्सचर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ सारे मिक्सचर को मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम ली हुई है, जो ताजी दूध की मलाई होती है ना, वही मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच ली हुई है। इसे हम ऐड कर देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा स्मूथ बैटर इसका रेडी हो गया है। लेकिन आप मलाई ताजी ही लें, एक दिन पुरानी कोई भी पुरानी मलाई का यूज़ ना करें, ताजी फ्रेश मलाई का यूज़ करें, तो उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने इस आइसक्रीम मिक्सचर को एक कंटेनर में इस तरह से डाल दिया है। साथ ही इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, या फिर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं बारीक कट करके, जो भी आपको पसंद हो। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ यहाँ पर बटर पेपर, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। तो इससे आइस क्रिस्टल नहीं इसके ऊपर पड़ेंगी। तो यहाँ पर इसे अच्छे से मैंने लगा दिया है। अब इसे फ्रीजर में रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने ओवरनाइट इसे रख दिया था फ्रीज़र में। और ये देखिए हमारी टेस्टी क्रीमी आइसक्रीम जम के रेडी हो चुकी है। तो देखने में जितनी खूबसूरत दिख रही है, खाने में ये उतनी ही ज़्यादा यम्मी, टेस्टी, रिच आइसक्रीम है। तो एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई।